हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। हमें पता है कि फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टैमन, और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल। स्टैमन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और उसके ऊपर एक लोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं एंथर, और एंथर के अंदर बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक, स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा पार्ट होता है हमारा प्लांट के, फ्लावर के फीमेल पार्ट का स्टिग्मा, उसका एक पार्ट होता है, ये हमने बनाया पिस्टिल, और पिस्टिल का ये ऊपरी जो भाग है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर पिस्टिल के स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, एंथर यानी कि किसका पार्ट, मेल पार्ट, जो फ्लावर का मेल पार्ट है, एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट का, फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का उसका एक पार्ट है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। और एंथर को हम हिंदी में कहते हैं पराग कोश, पॉलन ग्रेन हमारे होते हैं पराग कण, और स्टिग्मा होता है वर्तिकाल, यानी पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण होता है उसे हम कहते हैं परागण। अब परागण दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वय परागण, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब नाम से पता लग रहा है हमें सेल्फ यानी कि जब जो पॉलन है सेम ही फ्लावर के ऊपर, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तब इसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर है, कैसा फ्लावर होगा, वो बाइसेक्सुअल द्विलिंगी फ्लावर होगा, यानी उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, और इसी फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो गिरेंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यानी कि स्वय युग्मन। जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसके दो टाइप होते हैं, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी उसे कहते हैं जबकि जो पॉलन ग्रेन्स हैं सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और गिटोनोगैमी कहते हैं कि प्लांट तो सेम है लेकिन जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि किसी एक प्लांट के, एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन गिरते हैं उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो इसे कहा जाता है गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी हमेशा किसमें होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही होती है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे फ्लावर के अंदर, तभी जो एक ही फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट होगा, तभी जो पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर पाएंगे। लेकिन जो गिटोनोगैमी है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। अब आते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन पर। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी और एलोगैमी भी कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो उसी स्पीशीज के, यानी कि जिस स्पीशीज के हमारे फ्लावर के पॉलन ग्रेन है उसी स्पीशीज के किसी दूसरे पेड़ के, किसी दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब गिरते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन
फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के एक फूल के जो परागकण है वो दूसरे प्लांट के किसी एक पुष्प के फ्लावर के ऊपर गिरते हैं, पर कंडीशन क्या है कि जो फ्लावर है वो एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर के ऊपर गिरते हैं, लेकिन प्लांट कैसे होने चाहिए, दोनों एक ही स्पीशीज के होने चाहिए। और इसके लिए, इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, इस प्रोसेस के लिए, यानी पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, पॉलिनेटिंग एजेंसीज की जरूरत होती है। पॉलिनेटिंग एजेंसीज यानी कि परागण के जो कारक हैं, जैसे कि हमारी एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, ये सब क्या है, हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो कि पॉलेंस को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने का काम करते हैं। तो और इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो जनरली कैसे फ्लावर होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, लेकिन कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है, और इसके लिए उनके अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशन पाए जाते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। तो इस तरीके से ये आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन, परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन अगेन हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ऑटोगैमी एंड गिटानोगैमी। ऑटोगैमी में जो ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन का, सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और गिटानोगैमी के अंदर जो ट्रांसफर है वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर होता है, बट जो प्लांट है वो सेम होता है, जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पर लगे हुए हैं, और एक फ्लावर के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के।